मोदी कैबिनेट में अहम विभागों की जिम्मेदारी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को भी सौंपी गई। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। बता दें कि मनोहर लाल ने पद पर आसीन होकर कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेते ही मोदी मंत्रिमंडल के रूप में विभागों का बंटवारा हो गया, जिसके तहत मोदी कैबिनेट में अहम विभागों की जिम्मेदारी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को भी सौंपी गई। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। बता दें कि करनाल लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मोदी कैबिनेट में दो मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में ऊर्जा केंद्रीय मंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जो हैं अब मंत्रालय से रवाना हो चुके हैं, और जिस तरीके से इस बार हरियाणा को काफी प्राथमिकता दी गई है और लगभग जो तीन मंत्रालय हैं वो अलग अलग नेताओं को सौंपे गए हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार उत्साह के तौर पर जो हरियाणा है उसको एक प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर खट्टर की बात करें तो उन्होंने पहले हरियाणा में सीएम का जो पद है उसका पूरा पूरा जो कार्यभार है उसको संभाला है, और अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर खट्टर जो है अब नई पारी खेलते नजर आएंगे। मनोहर लाल ने मंत्रालय पहुंचकर विभाग की जिम्मेदारी को संभाल लिया। मनोहर लाल पद के कार्यभार को लेकर उत्साहित नजर आए। दरअसल पहले भी मनोहर लाल अपने राजनीतिक सफर को बखूबी निभाते हुए नजर आए, हालांकि पद को लेकर कोई टिप्पणी अब तक नहीं की गई। लेकिन बीते कार्यकाल के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए पदों को बखूबी संभालेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि मनोहर लाल पिछले करीब 10 सालों से हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। हालांकि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की। देखने वाली बात होगी कि मनोहर लाल अपनी इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।